हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ अध्याय पाँच जयवड़ु। अध्याय चार तक बहुत ही आसानी के साथ बता दिया हूँ, नहीं देखे हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है, शायद नहीं होगा तो प्लेलिस्ट जाके देख लीजिए, चेकआउट कीजिए। यार प्लेलिस्ट आपका, यार प्लेलिस्ट लिखा है ना PLAYLIST, तो प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें चेक कीजिए, क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री सेकेंड यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको मिल जाएगा, देखने में नज़र आएगा क्योंकि आप सब पढ़ाकू में पढ़ते हैं तो आपको क्लियर पता हो जाएगा ना। तो जितना मैं करा रहा हूँ मुझे उम्मीद है आप सब करते होंगे, हर एक दिन हर लेसन का मैं इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहा हूँ। क्या क्या बनाता हूँ? बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, विस्तृत उत्तरी प्रश्न। इसी प्रकार से मैं यहीं पर रुकने वाला नहीं हूँ, मैं केमिस्ट्री बता रहा हूँ, फिजिक्स बताऊँगा, हर एक चैप्टर बताऊँगा जब तक कि आपको आ न जाए। मेरा ये प्रण है, ये चाहे जो आप समझो, और यदि 95+ लाना चाहते हो तो आपका सपना है तो मैं सपने को साकार करने में आपका बहुत ज़्यादा मददगार करूँगा। यही नहीं रुकूँगा, आपको आपके एग्जाम तक, आपके रिजल्ट तक मैं आपका वेट करता रहूँगा, रिजल्ट तक कुछ ना कुछ मैं बताता रहूँगा, हर एक चीज़ बताऊँगा, बस सिर्फ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा बस। चलिए पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी स्टार्ट करते हैं। भैया आयोडीन की कमी से होता है, इसमें याद रख कर लो एक चीज़ कि जो कमी वमी से होता है रोग, ये सब अच्छे से याद हो जाए, एक दो नंबर में पूछ लेता है, और अगर पूछ लेगा तो आप सब नहीं बता पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो क्या है आयोडीन की कमी से बीमारी होती है, मतलब आयोडीन की कमी से कौन बीमारी होती है, कई ऑप्शन रहेंगे तो उसमें से देख लेना, घेंघा अगर रहेगा तो घेंघा पकड़ लेना है, पकड़ नहीं लेना लिख देना भैया ना। तो घेंघा जो है इसमें पहला क्वेश्चन सही है, आयोडीन की कमी से कौन बीमारी होती है, घेंघा होता है। अगला है एस्कार्बिक अम्ल है, एस्कार्बिन तो कौन अम्ल है, विटामिन है, क्या है, विटामिन। तो बहुविकल्पी क्लियर हुआ आपका। अब हम चलते हैं अति लघुत्तरी में, अति लघुत्तरी क्या आपका कहता है कि प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या है, इनमें पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों के नाम लिखिए। क्लियर समझ में आ रही बात ना, तो प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या है भैया, ध्यान में रखिएगा, हर एक चीज अच्छे से समझा रहा हूँ, अच्छे से समझिएगा, प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या है, इनमें पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों के नाम लिखिए। तो प्रोटीन के लिखिए मुख्य स्रोत क्या है, इसका मुख्य स्रोत लिखना है, क्या लिखना है, मुख्य स्रोत क्या है, और मुख्य तत्व भी लिखना ना, तो मुख्य तत्व भी लिखेंगे प्रोटीन का। याद रखिए, देखिए भैया अगर मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं अगर इसमें से भी आप छाटने लगेंगे, कम करने लगेंगे, तो समझ लेना तो आप कम नंबर पाएंगे, ये तो पर्सनल बात है, क्योंकि मैं खुद ही ला रहा हूँ, दो दो क्वेश्चन ला रहा हूँ, सोचो ऐसा कोई बता रहा है आपको, पूरे यूट्यूब पर नहीं बता रहा ना, तो बहुत चुनने के बाद, कई प्रीवी ईयर एग्जाम पेपर देखने के बाद, अनसाल पेपर देखने के बाद ये मैं डिसाइड किया हूँ, मुख्य स्रोत और मुख्य तत्व। तो मुख्य स्रोत क्या है आपका, दूध, अंडा, क्या है, दूध है, अंडा है, मछली, दालें यानी कि दाल है, क्या क्या है, दूध है, अंडा है, मछली है, दाल है, ये क्या है, मुख्य स्रोत है भैया, समझ लीजिएगा। आप सबको पता होगा कि डॉक्टर भी अगर दवा लेने आप सब जाते होंगे तो यही सब बोलते हैं, दूध पिया करो प्रोटीन आएगा, तो इसी से अंडा खाया करो, मछली खाया करो, दाल खाया करो, हरी सब्जी खाया करो, ये मुख्य स्रोत है इसके। अब मुख्य तत्व तो क्या हो गया, जैसे हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब क्या है आपके मुख्य स्रोत, मुख्य तत्व है, मुख्य स्रोत क्या है, दूध, अंडा, मछली, दालें, हरी सब्जी। अब जैसे साग उग जानते होंगे, अगर गांव के होंगे, शहर में भी सब जानते हैं लगभग, तो मुख्य स्रोत ही हुए, मुख्य तत्व क्या है, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस प्रकार से मुख्य तत्व भी हो गए इसके प्रोटीन के। क्लियर हुआ ना। अब चलिए अगले पेज में अगला क्वेश्चन देखते, चलो अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका, विटामिन ए तथा डी से क्या स्रोत है। इसके पहले आप क्या देखे थे, प्रोटीन देखे थे, अब विटामिन के ऊपर आ गए, विटामिन ए के बारे में बताना है और विटामिन डी के बारे में बताना है, ये याद रखना। तो विटामिन ए के स्रोत देखेंगे और क्या देखेंगे, विटामिन ए के स्रोत देखेंगे और विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग भी देखेंगे, विटामिन ए की कमी से मतलब कौन सा रोग होता है। तो भैया विटामिन ए के जो स्रोत है वो है मछली का तेल, क्या है, मछली का तेल हो गया आपका, और मछली भी हो गया आपका, दाल हो गया आपका, इसी प्रकार से है ETC ना।
तो आप सबको पता होगा विटामिन ए की स्रोत यही है, और विटामिन ए की कमी से भैया रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी, अच्छे से याद कर लेना। ये विटामिन ए के हो गया। आप विटामिन डी के भी बारे में पूछा है तो यहाँ पर लिख लेते हैं विटामिन डी। विटामिन डी के स्रोत तो भैया हो गया घी, मक्खन, अंडे। अब देखिए एक चीज मैं थोड़ा ट्रिक बताने वाला हूँ आपको, देखिए कैसे। देखिए समझ लेना, मांसाहारी है। अब बोलोगे भैया दालों मांसाहारी है, तो ऐसा नहीं है यार। अब देखिए समझने के लिए कुछ समझना पड़ता है ना, अगर ट्रिक बनाना है तो कुछ ना कुछ तो भूलना पड़ता है। तो याद कर लेना दालें और समझ लेना यही ना। अगर ये चीज़ अगर याद रहेगा कि मतलब मांसाहारी में चला जाता है विटामिन ए के जो स्रोत होती हैं, तो आपको याद हो जाएगा। अब बोलोगे भाई ये दालों है, तो दाल नहीं है यार, फिर भी समझा करो ना बात को। तो अब देखिए विटामिन डी के स्रोत क्या है? घी है, मक्खन है, अंडा है। अब इसके कमी से होने वाला जो रोग है विटामिन डी के कमी से जो होने वाला रोग होता है वो क्या होता है? वो होता है रिकेट्स। रिकेट्स क्या होता है? रिकेट्स होता है। क्लियर हुआ ना इतना? विटामिन ए के स्रोत, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, विटामिन डी की स्रोत और विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग। यही चीज अगर आप याद रखेंगे तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाला और कहीं भी नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, मोलिस परीक्षण क्या है भैया? क्या मोलिस परीक्षण? तो मोलिस परीक्षण का ये देख लीजिए क्या होता है, देखिए मोलिस परीक्षण क्या होता है, C6H12O6 होता है। इतना कम कवर होगा ना, तो ये भी क्लियर हो गया। अब लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी देख लेते हैं। देखिए लघु उत्तरी प्रश्न में क्या है, पहला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट को उदाहरण देते हुए वर्गीकृत कीजिए, लज्जा या लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको। एमिनो अम्ल की प्रकृति उभयकर्मी होती है, क्यों क्यों होती है? लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर नहीं मिलेगा देख लेना, लिंक जरूर डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, बस बता दे रहा हूँ मैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्न देखिए, उस रासायनिक समीकरण का उल्लेख कीजिए कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित हैं। तो कुछ ऐसा देखिएगा दीर्घ उत्तरी प्रश्न में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इस पाठ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? उस रासायनिक समीकरण का उल्लेख कीजिए कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित है, ऐसे कुछ दिखिएगा, ठीक है ना। ये भी क्लियर हुआ दीर्घ उत्तरी, ये लेसन आज दी एंड हुआ। लेसन 5 तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दी एंड कर दिया हूँ। अब अगला जो आता है वो होता है बहुलक, तो मिलिएगा अगले दिन। और जाइए ये वीडियो आप देख लिए, कॉपी में लिख लिए, अब जाइए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कीजिए सभी क्वेश्चन। देखिए लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी सभी क्वेश्चन देखिएगा, जिससे कि आपका स्कोर अच्छे से करें, एग्जाम में अच्छा नंबर लाएं। ये मेरा उद्देश्य है, कर्तव्य है, आपको लाना भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया आप सबको, तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। चलिए अगले लेसन में।